कॉजेस होगी आप आपकी माने पहली चीज कंपटीशन कॉम्पीट करना बहुत से लोगों को डिप्रेस कर देता है आपकी एज में कि मैं ये नहीं कर पाई हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हम वालदेन की ख्वाब पूरे नहीं कर पाए हम लोग ये नहीं कर सकते कॉम्पीट जो होता है ना तो ये कॉम्पिटिशन होना चाहिए बहुत होना चाहिए लेकिन क्या सब जीत सकते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज की जरूरत ही क्या होती थी अगर सब रेस में भागते हैं और पूरे जीत के आते हैं तो फर्स्ट को 10 बनाना पड़ेंगी पोजिशन क्या करेंगे दो बच्चे अगर सेम मार्क्स भी लाते हैं तो कोई ना कोई तो क्राइटेरिया हो उनमें डिफ्रेंशिएट करने का तो क्या क्राइटेरिया होता है टेंथ में किसके ज़्यादा थे अगर ट्वेल्थ में आपके मार्क्स कॉमन होंगे तो टेंथ के मार्क्स देखे जाते हैं टेंथ में किसके ज़्यादा थे टेंथ में भी कॉमन होंगे तो एज किसकी ज़्यादा देखी जाए ताकि उसको पहले चूंकि उसने एक साल या ज़्यादा है ना उम्र में उसको पहले मिलना चाहिए कुछ ना कुछ तो प्रेफरेंस उसमें भी होता है समझ रहे आप बात तो हम कैसे सोचते हैं कि सब बराबर होंगे तो कॉम्पीट कॉम्पीट करना अच्छी बात है जब भी आप किसी से कॉम्पीट कीजिए तो क्या खुशी क्या आपके जहन में ख्याल हो हमें इसलिए इससे कॉम्पीट करना है इसलिए कि जो अल्लाह ने सलाहियतें दी है उसको हमको उभारना है किसी को पीछे करना पछाड़ना हराना उसकी मकसद या नीयत ना हो जब हराना नीयत होती है तो कॉम्पिटिशन वॉर बन जाता है गेम गेम नहीं रहता किसी चीज़ में मुसाबिका मुसाबिका नहीं बचता वो जंग हो जाती है कि कौन आगे जा सकता है तो कंपटीशन एक सबसे पहली वजह है जिस वजह से आप में से बहुत सारे लोग डिप्रेस होता है और जब कॉम्पीट नहीं कर पाते अपने स्ट्रगल को वो लूजर समझते हैं तो एंड रिजल्ट ये होता है कि खुदकुशी कर लेते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने मेरिट का लिस्ट ही खत्म कर दिया पता है ना आपको सिर्फ एक टॉपर आ जाता है उसके बाद कोई नहीं पहले होता ना मेरिट 90 के बाद आता है किसी के नाम क्या कि मेरिट गवर्नमेंट ने वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड का सिस्टम खत्म कर दिया बच्चे खुदकुशी कर ले रहे इसलिए कि आपने जितनी मेहनतें करनी थी कर ली छोड़ दीजिए रिजल्ट अल्लाह के हाथ में नहीं ऐसा कैसा होता हमने इतना करने के बाद चलो जिंदगी खत्म कर लो अपने आप को बर्बाद कर लो कुछ ऐसा एक्ट कर लो कि मरे तो नहीं लेकिन जिंदगी भर अधमरी जिंदगी गुजार रहे कोई आदमी जहर खा ले अल्लाह रहम करे और बच जाए कूद जाए और बच जाए तो लंगड़ेपन की जिंदगी हमेशा के जिसको ऑर्गन फेलियर की जिंदगी जियो कि ये इतने ऑर्गन खराब हो गए जहर से लेकिन मरे भी नहीं अब जिंदा रहो उनको संभालते हो पूरी जिंदगी कितनी मुश्किल होती है ना तो ये समझने की जरूरत है तो कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए कॉम्पीट कीजिए बहुत अच्छी बात है लेकिन किसी को हराने की नीयत से नहीं आगे जाने की नीयत से कि मुझे आगे जाना है हराना नहीं है मुझे किसी नेचुरल है कि कुछ लोग पीछे रह जाएंगे लेकिन हम उनको लूजर नहीं कहेंगे इसलिए कि कुछ जगह जीतना भी किसी के लिए सक्सेस हो सकता है और किसी के लिए वहीं हारना भी सक्सेस हो सकता है डिपेंड है इसलिए कि सक्सेस एंड फेलियर ये रिलेटिव टर्म है कि किसके साथ जोड़ा जा रहा है किसी के लिए कोई चीज़ सक्सेस है तो किसी के लिए वही चीज़ फेलियर है दुनिया में सब कुछ कमाना काफिरों के लिए सक्सेस है मोमिनों के लिए दुनिया में अल्लाह कबूल कर ले अमाल ये सक्सेस है उनके लिए कमाना फेलियर में आ यार है ना समझ रहे तो ये चीज़ असल है दूसरा कैरियर